तो स्वागत है आपका कर्पूर आईटीएस आरटी के यूट्यूब चैनल कर्पूर आईटीएस आरटी में। मैं योगेश राठौर, ठीक है। आज हमारी तीसरी क्लास है, यूनिट वन, सेफ्टी एंड हेल्थ यानी सुरक्षा और स्वास्थ्य की हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है। यूनिट वन में हमने यानी कि क्लास वन में हमने डिस्कस किया था जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंड में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लास टू में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करे थे, और उसके जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा दुर्घटना और सुरक्षा, ठीक है। आज हम दो टॉपिक खत्म करेंगे, 10 मिनट की क्लास लेंगे, 8-9 मिनट की क्लास लेंगे, तो ध्यान से देखिए, तो शुरू करते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा दुर्घटना क्या होती है। दुर्घटना एक अनिश्चित घटना होती है, ठीक है। अनिश्चित घटना होती है, अनिश्चित समय पर जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो जिसकी वजह से हमें चोट लग सकती है या फिर जान या माल का नुकसान होता है, तो वो सब चीजें हमारी दुर्घटना के अंतर्गत आती है, ठीक है। दुर्घटना को इंग्लिश में एक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि किसी ट्रक वाले ने किसी बाइक वाले को ठोक दिया तो उनकी मृत्यु होगी, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो दुर्घटना को इंग्लिश में एक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि दुर्घटना होने के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, दुर्घटना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो कोई गलत दुर्घटना होती है, ठीक है। आप कहीं कुछ काम कर रहे हो, गलत दुर्घटना होती है। अगर इलेक्ट्रीशियन है, अगर किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो वह गलत दुर्घटना होती है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रीशियन की हमारी क्लास चल रही है, तो हम इलेक्ट्रीशियन से जितनी दुर्घटना होती है वर्कशॉप में, उनके बारे में विस्तार से थोड़ा जानते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा पहला पॉइंट है असावधानी। देखिए, अगर आप कहीं वर्कशॉप में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी वर्कशॉप में कुछ काम कर रहे हैं और आपको आप सावधानी नहीं है, यानी कि आपने आपको कहा जाता है कि पैर में शूज पहनी है, ग्लव्स पहनी है, आपने कोई सावधानी नहीं रखी, आपको कहा जाता है कि काम कर रहे हो आप बिना किसी बिना निश्चिंत हो गए ना, निश्चिंत हो गए काम कर रहे हैं, और सावधानी बिल्कुल भी वो आपकी आती है असावधानी के अंतर्गत, इससे आपकी जान माल को हानि हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, ठीक है। तो जो सावधानी के कारण होते हैं ना, दुर्घटना के कारण होते हैं, असावधानी सबसे बड़ा हमारा कारण होता है, ठीक है। दूसरी अरुचि, अरुचि का मतलब ये होता है कि आपको उस चीज़ में रुचि नहीं करने की। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जाके चार नंबर वर्कशॉप में जाइए तो आपको मशीन का काम करना है, मैं आपको कहते हो आप हाँ, लेकिन अब मैं मालिक हूँ और आप एक कारी लगे आप मेरे अंदर वॉक कर रहे हैं, ठीक है, आप एक मजदूर के अंदर काम कर रहे हैं, और वहाँ पर जाके आपके अंदर कोई रुचि नहीं, अगर आप काम करने जा रहे हैं कि यार बोला है मैंने बोला है मालिक ने बोला काम कर रहे हैं, क्या होता है कि आपके रुचि में आप बिना रुचि के काम करते हो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, इसमें क्या दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तीसरी है जल्दबाजी। देखिए, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि काम धीरे करिए, ठीक है ना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। उसी तरीके से अगर हम कोई वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, कोई मशीन चला रहे हैं, कोई मिल में है, कहीं भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़िए कि हमको कहाँ काम करना है, क्या काम करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर कोई मशीन का मेंटेनेंस कर रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे और आराम से कीजिए, इससे क्या होगा दुर्घटना होने की जो चांसेस है ना वो क्या होंगे बहुत कम है, ठीक है। तो जल्दबाजी भी हमारा बहुत बड़ा कारण होती है दुर्घटना, उसके बाद में अज्ञानता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी मोटर मशीन जनरेटर या कहीं पर कोई बिजली फिटिंग वगैरह का कुछ काम कर रहे हैं वर्कशॉप में, या फिर क्या कह सकते हैं हाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर आपको वेल्डिंग करते नहीं आती और आप कहते हैं कि सर मैं करूँगा हम करेंगे या कोई भी करता है, उससे क्या होता है तो दुर्घटना का हो सकती है। ये हो सकता है कि गलती से आप जो उसकी रॉड होती है जो पकड़ने की रॉड होती है गलती से उसको पकड़ लें, आप करंट लग जाए तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये चीज सब चीज़ें अज्ञानता के अंदर आती है। अगर मैंने आपको कहा कि जाके मशीन सुधार दी अगर आपको मशीन सुधारती नहीं आती, आप अज्ञानता में ठीक है सर मैं तो कर दूंगा मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, इस चक्कर में अज्ञानता भी बहुत बड़ा कारण होती है आपकी दुर्घटना हो, ठीक है, उसका उपयुक्तता, ठीक है ना। मान लीजिए काम आपको आता है, अच्छी बात है कि आप उस फील्ड में मास्टर है, आपको सब चीज़ अच्छी आती है, लेकिन उसके बाद में भी आप उपयुक्तता करते हैं, नहीं सर मैं काम 2 मिनट में करता हूँ, वो काम आपको पता है कि 10 मिनट में आपको, नहीं सर वो काम मैं 3 मिनट में करके आपको दिखा सकता हूँ, तो क्या होता है उपयुक्तता की वजह से कभी कभी क्या होता है कि हम कनेक्शन गलत कर देते हैं, या फिर जो स्क्रू का यूज़ कर रहे हैं वो स्क्रू का यूज़ ना करके हम सोचते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, इससे क्या होता है कि आपकी दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा है असुरक्षित हस्तावजार। देखिए, अगर आपको एक नट खोलना है, ठीक है, अगर आपको एक नट खोलना है तो आप
एक स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे, पेचकस का यूज करेंगे, या फिर अगर आपको कोई वायर काटना है तो आप क्या काम करेंगे, या वायर स्क्रूलर का काम करेंगे, ठीक है, या फिर अगर गड्ढा खोदना है तो आप क्या काम करेंगे, फावड़े का यूज करते हैं, गैंती का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको गड्ढा खोदना, अगर आप कान से खोद रहे हैं तो क्या हो सकता है कि नीचे खोदते समय हाथ में कुछ लग जाए, अगर आप रॉड से खोद रहे हैं, रॉड गलती से आपके हाथ में लग जाए, या फिर मशीन को रिपेयर करते समय हमने आपसे कहा कि आपको जो उसके बोल्ट खोलने हैं, बोल्ट खोलने के लिए आप पेचकस का यूज करते हैं, यानी स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, लेकिन आप स्क्रू ड्राइवर का यूज नहीं कर रहे तो क्या होगा, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे क्या होता है कि आपके हाथ या पैर पे लगने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, ये भी दुर्घटना का मेन कारण है। उसके बाद अनुशासन की कमी, देखिए अगर आप कहीं भी वर्कशॉप में या फिर कहीं भी आप काम करते हैं तो सबसे जरूरी क्या होता है कि आपके जो सुपरवाइजर या फिर जो आपके टीम लीडर है उनके साथ है कि आपको काम करना चाहिए, आपने अनुशासन नहीं है, मान लीजिए कि आपके टीम लीडर नहीं गए, ठीक है ना, और आपके उनके बिना ही उनके अनुमति के बिना ही काम करना चाहते हो, आपको पता नहीं काम कैसे करना, तो इस चीज आती है ना, ये जो कारण आता है कि आपका दुर्घटना के अंतर्गत में आता है। और हमारा जो लास्ट नशे की आदत, कई बार क्या होता है कि लोग नशे के आदि होते हैं, यानी कि दारू पीना हो गया, सिगरेट वगैरह पीना, तो ये जो नशे होते हैं मान करके आ गए और उन्हीं पर आप काम करें, तो इससे क्या होता है कि काम करते हुए आपको शौक लग सकता है, या फिर आपकी जान भी जा सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिस मशीन में काम कर रहे गलती से मशीन आपकी उनकी छिड़ गया, खुली कर गई, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन होती है। तो इसलिए आप जहाँ भी जिस भी कंपनी या फिर वर्कशॉप या कार्य स्थल पर आपके कार्य करें वहाँ पर कभी इन जो मैंने मेन कारण बताया इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मेन कारण होते हैं जिससे आपकी दुर्घटना हो सकती है, आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रख लिया तो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी दुर्घटना से आप बच सकते हैं, ठीक है। और नशे की आदत सबसे मेन होती है, ठीक है, जो हमारा ये नशा है इससे तो बिल्कुल दूर है, अगर आप नशा करते हैं ठीक है वो आपकी जिंदगी से जुड़ने के लिए, लेकिन नशा करके कभी भी कार्य ना करें, ठीक है। अभी हमने दुर्घटना खत्म किया है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सुरक्षा यानी कि सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी क्या होते हैं, सुरक्षित साधन सुरक्षा नियम क्या होते हैं, ठीक है, पहले बात करते हैं सुरक्षा यानी कि सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा का मतलब होता है सुरक्षित रहना, ठीक है, इसे आकस्मिक दुर्घटना यानी कि एकदम से कोई घटना हो जाए तो उससे जो बचाव करने के जो तरीके होते हैं अगर उससे बच जाते हैं ये हमारी क्या कहलाती है, हमारी कहलाती है सुरक्षा, ठीक है, यानी कि सेफ्टी, सेफ्टी के नाम से जाने जाते हैं। अगला है हमारा साधारण सुरक्षा नियम, ठीक है, साधारण सुरक्षा नियम, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, या फिर आप एक आईटीआई होल्डर या आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं तो उसमें आपने यूनिट फॉर्मिंग की एक चीज़ें भी पढ़ी होगी, जिसमें भी क्या है जो साधारण सुरक्षा होती है कि आपको पढ़ना और इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। तो पहली हमारी पहला हमारा है साधारण सुरक्षा नियम के अंदर, पहला है स्वयं की सुरक्षा। देखिए अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि मान लीजिए कि चाइना और भारत की कुछ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, अगर दोनों के बीच अगर जंग हो जाती है उस समय अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास स्वयं के बचाव के लिए अगर कोई जैसे कि जैकेट हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, शूज हो गए, या फिर गन वगैरह हो गई, हेलमेट हो गया, ठीक है, जो बॉक्स वगैरह यूज करते हैं फाइट है ना, जब आपकी वॉर यानी कि जब झगड़े होते हैं ना, युद्ध होते हैं, अगर आपके पास ये ना रहे तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है, तो आपका युद्ध जितना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास भी क्या कहते हैं आप स्वयं सुरक्षा जैसे करते हैं उसी तरीके से आप इसकी भी आपको सुरक्षा करना जरूरी है, ठीक है, स्वयं की सुरक्षा। तो देखिए जब भी वर्कशॉप में जाते हैं तो वर्कशॉप में जाने से पहले आप कहा जाते हैं कि शूज प्रॉपर शूज में, ठीक है, शूज होने चाहिए आपके पास, हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, जो आपके कपड़े जो इलेक्ट्रिशियन के अलग से जो कपड़े रहते हैं, ठीक है ना, वो आपके धोना चाहिए। इस चीज़ें आती है आपकी कारण आती है स्वयं की सुरक्षा के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें पहन के जाएंगे तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने वर्क काम करके अगर ऊपर जाती है टुकड़ा गिर गया या फिर आपके ऊपर कोई चीज आगे लगी तो उसके अलावा उससे आपकी जान बची, अगर आपके सिर में किसी के चोट लगने से बच जाए अगर आपकी मृत्यु होने से बच सकते, ठीक है। अगला है मशीन की सुरक्षा, ठीक है, अब देखिए मशीनों की सुरक्षा में क्या होती है कि आप जिस मशीन पर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है तो आप क्या काम करेंगे, आप डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, ठीक है, या फिर बैटरी बोर्ड का काम हो गया, या फिर वायरिंग का काम हो गया, मफलर रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इस समय जो हमारी मशीनें होती हैं इस मशीनों की सुरक्षा करना हमारे बहुत जरूरी है, जैसे कि मशीन की टाइम टाइम पे साफ सफाई जरूरी है, ठीक है, मशीन की ग्रीसिंग होगी, ऑयलिंग होगी,
है, और वर्कशॉप में जहाँ मशीन रखी है वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, पैन का मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, और वहाँ पे जो अगर मान लीजिए मशीन अगर चालू कंडीशन में है तो चालू कंडीशन में कभी मशीन में कोई औजार नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और जब मशीन चालू में है तो उस समय वहाँ पे आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे कि आपकी दुर्घटना हो सके, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है मशीन की सुरक्षा के। अब अगला है तो आपका लास्ट टॉपिक है आज का काले खंड की सुरक्षा, ठीक है ना। काले खंड की सुरक्षा जो होती है, मान लीजिए मैं ट्विटर के स्टूडेंट है, अगर आपको एक जॉब दी जा रही है आप बेंच वाइज पे एक जॉब लेते हैं उसको काटने का काम करते हैं, मार्किंग करेंगे आपको साइज देंगे सर आपको मैंने जॉब देंगे इस टाइप पर देंगे सर उसको इस टाइप पर मैं उसको काट के दिखाई तो आप क्या करेंगे आपको मार्किंग देंगे उसके बाद उसको एग्जाम एग्जो से आपको काटने का काम करेंगे आप क्या काम करेंगे इसको आप बेंच वाइज पर टाइप करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कटिंग का काम करेंगे तो ये जो तारीख है तो आप इसकी प्रॉपर सेफ्टी रखनी करनी चाहिए कि यार ये जो आपको जो जॉब बना रहे हो इसको भी एकदम यहाँ पर साफ एकदम साफ सफाई रहनी चाहिए, ठीक है। और जब आप इसका यूज़ करो तो जो आपके क्या बोल सकते हैं बेंच वाइज प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, और जो आपका जो जॉब है जॉब भी एकदम सही आकार में कटना चाहिए, आप सही औजार का यूज़ करें, ठीक है। तो ये आपकी क्या आती है काले खंड की सुरक्षा, ठीक है। अगर आपके पास औजार अच्छे रहेंगे तो आप काले खंड भी अच्छे से काले कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमारे जो दो टॉपिक थे, एक था दुर्घटना और दूसरा था सुरक्षा यानी कि एक्सीडेंट और सेफ्टी, आज हम दोनों के बारे में पढ़ा। अब अगली क्लास यानी क्लास नंबर 4 में हम और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप शायद क्लास कल का वीडियो आपको मिल जाएगा, कल की वीडियो में हम आपके बारे में पढ़ेंगे यानी कि आप कितने प्रकार के कितने क्षेत्रों में बांटे जाते हैं और उन्हें आपको पूछाने या रोकने के लिए हम क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है।